अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो नेक्स्ट स्टेज है वो ये होती है कि जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा कि लाइफ दीन का मीडिया है, क्या आप करना चाह रहे हैं। तो मैंने इमेज ये वाली सेलेक्ट कर ली है। अब जो पहला जो आएगा वो आ गया प्राइमरी टेक्स्ट कि पाकिस्तान माई प्राइड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ दीन मीडिया कॉम्पिटिशन। और मैंने यहाँ पर आपको एक लिंक दे दिया जो कि हमारा लाइव दीन का होगा और वो है सॉरी LD वायरलेस का जो होगा वो पेज हम डाल देंगे। ठीक, और हमारी हेडलाइन आ गई विन 75,000। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, वो आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं। दूसरा, ये कॉल टू एक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होना चाहिए। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो हमारे पास रजिस्टर करें। तो जब लोग रजिस्टर करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे कि लोग चाहें तो हमें पास डायरेक्ट रजिस्टर कर लें या फिर हमारे पास इस साइनअप के थ्रू कर लें। अब ये आ गया जी इंस्टेंट फॉर्म। हम यहाँ पर जाएंगे, एक नया फॉर्म क्रिएट करेंगे। ये हमारा पोस्टर आएगा। हमारे पास मोर वॉल्यूम चाहिए या हाई इंटेंट, दोनों। यूजर फॉर्म दैट क्विक्स टू फिल आउट एंड सबमिट ऑन अ मोबाइल डिवाइस। हायर इंटेंट एड अ रिव्यू सेटअप दैट गिव्स पीपल अ चांस टू कंफर्म देयर इन्फो। हम जाएंगे मोर वॉल्यूम पर या फिर हाई इंटेंट पर, दोनों में से हम जाएंगे। ठीक, हाँ, एक ही दफा बंदा करे तो अच्छा करे, वरना क्या होगा, इन दोनों में जो फर्क है वो सिर्फ रिव्यू स्क्रीन का फर्क है। देखें अगर आप, तो ये रिव्यू स्क्रीन आ जाएगी इसमें और इसमें रिव्यू स्क्रीन नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि वो रिव्यू स्क्रीन आ जाए। हम इंट्रो पे गए, आपने ये डाला हुआ है ब्रीफली, आपने इसको हेडलाइन जो भी होगी आपने उसको बता दी, वो ये है लाइव दीन मीडिया कॉम्पिटिशन। ये हमेशा मुझसे गलती होती है कॉम्पिटिशन की स्पेलिंग में। तो ये आपके पास आ गया जी लाइव दीन मीडिया कॉम्पिटिशन, और आपने पास इमेज आ गई और चेक कर लिया आपने। क्वेश्चंस क्या करने चाह रहे हैं आप, वो ये आ गए जी क्वेश्चंस हमारे पास। अगेन प्लीज प्रोवाइड डिटेल ठीक है। क्या क्या चाहते हैं, ईमेल चाहते हैं यस, फुल नेम चाहते हैं यस, और आप उनका क्या नंबर चाहते हैं, आप उनका कॉन्टेक्ट डिटेल उसका मोबाइल नंबर चाहते हैं, बस सिंपल सी चीज। क्या हमारी प्राइवेट पॉलिसी है जी, ये देना जरूरी होती है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे तो वो आपकी प्राइवेट पॉलिसी में चला जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हम लाइव डीन के ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो ये है liveteam.com/ या फिर ये वाला LDYLS। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख दिया टर्म्स ठीक। रिव्यू स्क्रीन में गए, आपने कहा ठीक है, वो बंदा रिव्यू स्क्रीन भी कर लेगा। थैंक यू स्क्रीन में क्या लिखेंगे, थैंक यू आर ऑल सेट, योर इन्फो हैज बीन सेंट टू LD मीडिया, टैब बिलो टू विजिट विजिट LD मीडिया। अब वो वेबसाइट पे भी चला जाएगा और वेबसाइट आएगी, व्यू लिखा है जी व्यू वेबसाइट, और यहाँ पर हमारा आ गया LD.com/LDYLS व्यू वेबसाइट, ऑल गुड। हमने इसको यूज कर दिया, इसको हमने सेव किया सबसे पहले, और उसके बाद फिर हमने इसको फिनिश कर दिया। ठीक हो गया। अब क्या होगा, जो एड आएगा वो इस तरीके से आएगा कि लाइव इन मीडिया कंपटीशन जिसमें पार्टिसिपेट एंड गेट अ चांस टू विन ₹75,000, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स, आवर वॉलंटियर्स विल कॉल टू कंफर्म, ईमेल, फुल नेम, फोन नंबर, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास सब चीजें आ जाएंगी। इसमें बाकी चीजें भी हैं,
जैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग, फेसबुक ऑफलाइन इवेंट्स, इसको आप छोड़ दीजिए। आपने अब ये कह रहे हैं ऐड अकाउंट हैज नो एक्सेस टू इंस्टाग्राम अकाउंट, ऐड अकाउंट हैज नो एक्सेस टू इंस्टाग्राम अकाउंट। हमने इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे कहीं दिया हुआ है या नहीं दिया? हमने यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, तो हम इसको चाहे तो वो दोनों जगह पे कर सकते हैं, लेकिन हमने किया हुआ ही नहीं। हमने इसको कंफर्म किया, क्या वो दोबारा से कहेगा? ये आपने कहा जी रिमूव इंस्टाग्राम एज अ प्लेसमेंट, और आप उसको कंफर्म करेंगे। यू आर नाउ इन द प्रीवियस वर्जन ऑफ एड मैनेजर, इसको आप छोड़ दीजिए, ये आपका काम नहीं है। अब हमारे पास ये चीज चलना शुरू हो गई। अब ये वाला जो कैंपेन है इसको हमने नाम भी दे दिया, और हमने लिख दिया जी, क्योंकि ये तो वही वाली है। हाँ, इसको हमने लिख दिया जी एल ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये आ गया है, इसका लाइफ टाइम बजट आ चुका है और ये सब चीजें आ चुकी हैं। अभी रिव्यू में चला जाएगा, जब ये रिव्यू हो जाएगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं facebook.business.facebook.com। अब आपको मैं एक चीज और दिखाऊँ, वो ये है कि जब हम लाइव लिंक के यहाँ पे जाएंगे, ये हमारा पेज खुल गया एलडी मीडिया का फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इसके राइट्स हैं, तो आप यहाँ जाके आप जाएंगे जी सेटिंग्स में, सॉरी सेटिंग्स में भी ना जाए और लंबा हो जाएगा आपके लिए, आप जाइए पब्लिशिंग टूल्स में, मोर में गए और यहाँ गए पब्लिशिंग टूल्स। जब आप पब्लिशिंग टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास फॉर्म्स लाइब्रेरी। ये फॉर्म्स लाइब्रेरी कहाँ से आएगा? जब आपके पास लोग अपलोड करेंगे अपने फॉर्म्स को, तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर सारे के सारे वो फॉर्म्स आना शुरू हो जाएंगे, ये वो फॉर्म्स आना शुरू हो जाएंगे जो कि लोग फिल करेंगे, और फिर आप अपनी टीम को कह सकते हैं कि वो उनको कॉल करें और कंफर्म कर लें। आई होप कि आप लोगों को इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। इसका बेनिफिट क्या था? इसका बेनिफिट ये है कि हम टारगेटेड मार्केटिंग करें, हमारे पास जो पैसे हैं वो सिर्फ हम बूस्ट में ना लगाते हैं, हमारे पास टारगेटेड मार्केटिंग हो, हमें पता हो उसके लिए एसेंशियल ये टारगेटेड मार्केटिंग के लिए, कि हमें पता हो कि हमारे पास जो जो क्लाइंट्स हैं हमारे वो कैसे हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं। वो ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, आप अगर एक एक्सरसाइज कर लें अपनी टीम के साथ तो आपको उनकी पूरी चीजें पता चल जाएंगी कि वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनके क्या वो किस फोन्स को इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, उनके इंटरेस्ट की क्या चीज़ है। और अपनी डेमोग्राफिक्स को आप बढ़ाते रहिए, उनके इंटरेस्ट को बढ़ाते रहिए, उनकी डिटेल्स को बढ़ाते रहिए, और अल्टीमेटली यू विल एंड अप गोइंग टू एग्जैक्टली द सेम पर्सन जो कि आपको रिक्वायर्ड होगा। तो आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी से मिली होगी। कोई सवाल अगर आपका हो तो प्लीज़ लेट मी नो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।